औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने हीट कैपेसिटी को समझा था और उसका न्यूमेरिकल किया था, और आज की क्लास में हम समझने जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया, एडमिशन्स ओपन है। एडमिशन्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0309-677-671 पर। याद रहे कि इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, एक ही मरतबा रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने पे करने हैं 2000 रुपीज़। जो लेक्चर मिस हो जाएगा आपका इन ऑनलाइन क्लासेस में, जो जूम पर कंडक्ट की जाएंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी मौजूद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डेफिनेटली चेंज नहीं हो सकता। हम इसको एक मरतबा और समझते हैं। हम कहते हैं कि सर हमारे पास जो हीट है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हीट को आप ना बना सकते हैं ना हीट को आप तबाह कर सकते हैं, आप उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो नंबर्स हम यहाँ पर बेटा इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास वैल्यूज़ में डेल्टा क्यू है जिसको हम अमाउंट ऑफ हीट कहते हैं, हमारे पास W है जो वर्क डन कहलाएगा, और हमारे पास Q होता है, U या E हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए। हम कहते हैं कि सर हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस द टोटल वर्क डन। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला देखता हूँ तो डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द नेट हीट फ्लो माइनस द वर्क डन, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जब न्यूमेरिकल्स हमें करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद रहे बच्चों न्यूमेरिकल करते वक्त हमें इनकी साइन कन्वेंशन का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इनमें कुछ साइन कन्वेंशंस मौजूद होती हैं, आइए उन साइन कन्वेंशंस को समझते हुए फिर बुक के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम कहते हैं सर अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, या ऐसा लिखा हुआ है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक था, या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे पता लगे कि रिएक्शन को फायदा हुआ था, तो आप क्यू की वैल्यू प्लस में लेते हैं। अगर आपको पता लगता है हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड, या कहीं पता लगता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो आप क्यू माइनस में लेते हैं। अगर पता लगता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, तो डब्ल्यू प्लस में आता है। अगर पता लगता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आपके पास डब्ल्यू माइनस में आता है। अब सर ये आपने जो सिस्टम या वर्ड यूज़ किया इसको समझते हैं। सपोज़ कीजिए अगर एक स्टूडेंट किसी फ्लास्क में कुछ परफॉर्म कर रहा था, तो ये जो फ्लास्क के अंदर चीज़ें हैं इसका नाम है सिस्टम, और फ्लास्क के बाहर जो कुछ मौजूद है इसका नाम है सराउंडिंग। तो एक हो गया सिस्टम, एक हो गया सराउंडिंग। इसके अलावा ये जो लाइन यहाँ पर मौजूद है इसका नाम है बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब मैं इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन से ये क्लास ले रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन मेरे लिए सिस्टम है, उसके अलावा इस वक्त यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो सब मेरे लिए सराउंडिंग है। मेरे और इन चीज़ों के दरमियान कोई बाकायदा दीवार तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा, एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है। उस इमेजिनरी लाइन को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, बाउंड्री का नाम दिया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आइए हम बुक के, हमने बैक वाले न्यूमेरिकल्स तो कर लिए हैं, जिन लोगों के पास उनके लिंक्स नहीं है वो मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। 11.6 हम सॉल्व करते हैं। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ हीट ऑफ एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क वाइल लूजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट। मैं अगर बेटा इसका डेटा कंस्ट्रक्ट करना यहाँ आपके सामने शुरू करूँ, तो सवाल में कहता है अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 जूल ऑफ हीट, तो क्यू मैं प्लस में लूंगा ना, क्योंकि एब्जॉर्ब लिखा हुआ था। फिर कहता है इट डिलीवर्स, डिलीवर मतलब सिस्टम ने काम किया है ना, तो जब सिस्टम काम करता है बेटा तो हम क्या लेते हैं,
सर प्लस में लेते हैं 600 हो जाएगा। फिर साथ में लिखा है देखो यहाँ पर, वाइल लूजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट। लूजिंग का मतलब क्या होता है सर? लूजिंग का मतलब तो माइनस होता है, तो -100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब टोटल अगर मैं आपको क्यू पूछता हूँ तो आप कहते हैं 100,000 मिला, 100 चला गया, तो क्यू कितना बच गया हमारे पास सर? इस तरह क्यू तो 9 बच गया हमारे पास, 900 बच गया। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 900 बच गई। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। साइन ऊपर हम ले चुके हैं सारे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू की जगह लिख देंगे 900 माइनस 600, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 300 जूल। तो जो वर्क डन आया आपके पास इस सवाल में वो कितना आया? 300 जूल्स आया। अगला सवाल कहते हैं, याद रहे हमें तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है क्योंकि पेपर में इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इज इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 300। तो आपको इंटरनल एनर्जी बता दी गई 300 है। इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, 120 जूल काम सिस्टम पर किया गया, फाइंड द टोटल हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर अब आपको यहाँ पर बतानी है। हम कहते हैं सर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू था, 300 आपके पास ये हीट आ चुकी है, इसके अलावा डेल्टा क्यू माइनस आपके पास वर्क डन दिया हुआ है 120 जूल, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो 300 में अगर हम प्लस करेंगे 120 तो आंसर क्या आ जाएगा? 420। तो 420 हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा टॉपिक था फर्स्ट लॉ का। आइए सेकंड लॉ और उसकी स्टेटमेंट जब हम समझते हैं, क्योंकि पेपर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी स्टेटमेंट आती है लिखने के लिए। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें समझाता है हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है सर? इट इज़ एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो तवानाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम नाम देते हैं हीट इंजन का। हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट दी थी केल्विन ने और एक स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी क्लॉजियस ने। तो पेपर में या तो अलग से पूछा जाता है केल्विन स्टेटमेंट बताएं या क्लॉजियस स्टेटमेंट बताएं, या फिर आप लोगों को दोनों ही लिखने को आती हैं। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि आपके कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ, कमरे का टेम्परेचर था 27, एयर कंडीशन उस टेम्परेचर को डिक्रीज करके लेकर आया 16 पर, ऐसे ही है। तो अगर कमरे का 27 था और वो 16 पर लेकर आया तो कम की तरफ ले गया ना, क्या इसके लिए एसी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, लाइट नहीं होती तो एसी भी नहीं चलता। आपका फ्रिज जो है, आप उसमें कोई गर्म चीज़ रखते हैं उसको ठंडा कर देता है, तो क्या आपको उसमें एयर कंडीशन को हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही कहा जा रहा था कि सर हमारे पास ये नामुमकिन है कि बग़ैर हम एनर्जी के ये काम करें, किसी चीज़ को उसकी सराउंडिंग से डिक्रीज़ करें। सेकेंड आता है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये क्लॉजियस स्टेटमेंट था, बात तो वही हो रही है यहाँ पर। रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, हर चीज़ की एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट करता है, उसके लिए हमें लाजमी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक ईयर में MCQ पूछा गया था, द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, तो इसका जवाब था रेफ्रिजरेटर। ये आपको दोनों बार जब मैंने एग्जाम्पल दी तो उससे आपके जहनों में ये आ जाना चाहिए था। इसके बाद बेटा हम एक और चीज़ समझते हैं जो इस टॉपिक के साथ हमारे पास कनेक्टेड है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज़ है सर? अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो कहते हैं एंट्रोपी और डिसऑर्डर, यानी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी में चेंज आना, डिस्टर्बेंस आना, उसको हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। सो एंट्रोपी और डिसऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो हम कहते हैं कि सर वी टेक हियर अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। कंसिडर इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट बॉल कंटेन इन अ बॉक्स। एक डब्बा है जिसमें ब्लैक बॉल्स भी हैं और वाइट बॉल्स भी हैं।
द ब्लैक बॉल्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द बॉक्स वाइल द व्हाइट बॉल ऑक्यूपाई द अदर हाफ ऑफ द बॉक्स. आधे में ब्लैक है आधे में व्हाइट है. वी वुड से दैट द बॉल्स आर प्लेस इन ऑर्डर एज वी शेक द बॉक्स. दिस ऑर्डर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इज डिस्टर्ब. जब आप बेटा डब्बे को हिलाते हो तो ब्लैक और व्हाइट आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कुछ ब्लैक व्हाइट की तरफ चली जाएंगी, कुछ व्हाइट ब्लैक की तरफ आ जाएंगी. एज द बॉक्स इज मोर शेकन द ऑर्डर इज डिस्टर्ब मोर. जितना हिलाएंगे उतना डिस्टर्ब होगा. वी कैन से दैट दिस डिसऑर्डर इंक्रीज एंड द ओरिजिनल अरेंजमेंट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड नो मैटर हाउ वी शेक द बॉक्स. ऐसा हो सकता है कि हिला हिला के छोड़ दो तो वापस से सारी ब्लैक एक जगह पे आ जाए और सारी व्हाइट एक जगह पे आ जाए. नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है. इसी को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का. पेपर में आता है डिफाइन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सर अगर हम एंट्रोपी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज. अच्छा आप आइसोलेटेड क्या होता है? तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम कहता है कि जिसमें मास भी चेंज हो सकता है, एनर्जी भी चेंज हो सकती है. क्लोज सिस्टम कहता है कि जिसमें मास चेंज नहीं होता, एनर्जी चेंज होती है. और आइसोलेटेड कहता है जिसमें मास भी चेंज नहीं होता, एनर्जी भी चेंज नहीं होती. मैं इस बात को बेटा आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल देकर, चाय के कप की. अगर गर्म चाय का कप बनाकर मैंने कमरे में छोड़ दिया तो कोई उसको पी भी सकता है और वो ठंडी भी हो सकती है, तो उसका मास भी कम हो जाएगा और एनर्जी भी. अगर मैंने उसको कमरे में रखकर उसको लॉक कर दिया तो ये तो तय है कि कोई पिएगा नहीं, चाबी मेरे पास है सिर्फ, लेकिन ठंडी तो हो जाएगी ना. तीसरी बात, मैंने उसको थर्मोस में डाल दिया. जब मैंने थर्मोस में डाला तो अब वो गर्म भी रहेगी और उसको कोई पिएगा भी नहीं, तो मास भी रहा और एनर्जी भी रही. तो खुला कमरा और चाय का कप ओपन सिस्टम, बंद कमरा चाय का कप क्लोज सिस्टम, और थर्मोस में चाय डाल दिया आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सर, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज द डिसऑर्डर इन द सिस्टम इंक्रीजेस. जब आइसोलेटेड सिस्टम को कोई चेंज आता है तो उससे डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अच्छा हम एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ चेंज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आइदर रिमेन कॉन्स्टेंट और इट इंक्रीजेस. एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ब्लैक और ब्लू बॉल बिल्कुल मिक्स हो गई होंगी तो वो तो हिलेंगी भी नहीं अब अपनी जगह से, तो अब तो डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रही है, या तो होगी या बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती डिस्टर्बेंस, ये तय था. हम कहते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी, और इसका जो यूनिट बनता है हमारे पास वो बनता है जूल्स पर केल्विन. और ये यहाँ पर देखें आपके पास एग्जांपल में, चूंकि ये कलर्ड नहीं है तो आपके पास इस तरीके से आ रहा है, वरना अदरवाइज आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस और ये तमाम चीज़ें नज़र आ सकती हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें आप सब लोगों को क्लियर है. इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा आप सब. अल्लाह हाफिज़.